मॉर्निंग, और मैं ऐसे ही मतलब वॉइस ओवर से गुड मॉर्निंग कर रही हूँ, मैं सीधे आपको दिखा रही हूँ, मिल रही हूँ बेबी के घर। उनके यहाँ उनका फंक्शन है, जैसे कि आपको पता है कि उनकी एनिवर्सरी है, तो सबसे पहले हैप्पी एनिवर्सरी माता रानी, आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे और प्यार भी बनाए रखे। तो 9:30 बज रहे मैं आ गई हूँ, पूजा है और शाम को पार्टी होगी, तो यहाँ पे आके मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा जैसे मेरी छोटी बहन का ही कोई फंक्शन और मैं इस घर की बेटी हूँ, बिल्कुल ऐसा फील मुझे हो रहा था। सच में यहाँ पर नहीं, जो इतना मान सम्मान मुझे मिलता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मुझे इतना मान सम्मान मुझे अपनी फैमिली में भी नहीं मिला है, कभी भी नहीं, कहीं से भी नहीं मिला है, ना ही ससुराल से भी और ना ही मायके से भी। मुझे बहुत मान सम्मान यहाँ पे मिलता है और बहुत इज्जत मिलता है। सच में मैं लकी हूँ जो मैं बेबी की दोस्त बनी, बहन बनी और बेबी मुझसे मिली। माता रानी करे कि हमारी जोड़ी बस ऐसे ही बनी रहे हमारी दोस्ती। और यहाँ पे देखिए सब पेड़ पौधे जो है ना कहीं सेट किया गया है ताकि पूजा हो सके और हमारी बेबी देखी आ रही, और सच में बहुत प्यारी लग रही थी, नज़र न लगे इसको, बहुत सुंदर लग रही थी। घर में अगर होगा तो बंदा है घर में, नहीं लाइट रहता ना तब से रहता है। ओम सकलाकथानी चादरीचिकृतानी च आरम्भजभोज्यंता नैवेद्यंप्रियता अन्नपूर्णेशनापूर्णे सञ्चलप्राणवल्लरे ज्ञानवाराग्यसिद्धं संप्रयुक्तपादकेनाभ्यासीसंस्कृतपुंसिपदोत्तमतां प्रियाम्भोमितशुभ्रं भूतां तथा लोकान् नैवेद्यं भ्रान्तञ्जलमात्मन्यं तमरिभ्यामिहि मृदं कच्छनां तमरिभ्यामि भवते श्रीमन्महागणाधिपतेभ्यः। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, भगवान की कृपा उस पर भी हो जाती है और उसकी पत्नी अनन्य से गर्भवती हो जाती है और दसवीं मास में एक निर्मल कन्या का जन्म करती है, उनके गर्भ कन्या का जन्म होता है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, उसका नामकरण करवा दिया जाता है, उसका नाम जो है कलावती रखवा दिया जाता है। माता का नाम लीलावती था और पुत्री का नाम कलावती रखवा दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए बैठे हो रिया, देखिए चाची हैं बेबी की सासू माता, और ये भी बहुत अच्छी हैं, मुझे बिल्कुल बेटी जैसी मानती हैं और बहुत अच्छा लगता है। उनकी जेठानी जी हैं जो चश्मा लगा के बैठी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पूजा चालू हो चुका है। इंस्टाग्राम पर रील आपका बना दें, हाँ सब बना दीजिए। तो ये है हमारे पंडित जी जो कि हमारे घर में विराजमान होते हैं, पूजा कराते हैं। अब एक नया घर और इनका मिल तो बहुत अच्छा पूजा कराते हैं। जो लोग जमशेदपुर से हैं इनके से पूजा जरूर कराएं, और इनको तो भाई सब जानता है, फेमस है इंस्टाग्राम से। आप तो फ्रीज में पानी नहीं ठंडा नहीं जानते हम, अरे मेरा घर जिसको पूरा रखे सब बोतल के चलिए पता नहीं पूछ रहे हो नहीं आई हूं ना अकेले, ये तो काम नहीं आता, दे दो पंडित जी को लड्डू दो। हां चलें, आदेश है आपका, आप जाइए। चीज तो किसी को ऐसा है तो आप नहीं होंगे ना, बाकी सब आदमी खाया है। ओम अकाल वितारणम पंचामृतम सदेशम तमकाल भी नहीं है जो निरोग है। हां सही बात है, साथे दुनिया ना होइए ना जी, फोटो खींचेगो आप लोग का, हम दोनों साथ साथे होइए वैसे लेते हैं। नीचे जी नजर ना लगे, बहुत सुंदर लग रही है। हैप्पी एनिवर्सरी हमारी तरफ से, हैप्पी एनिवर्सरी, शादी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। माता रानी आप दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे और प्यार बरसाए रखे ऐसे ही वीडियो में भर भर के। तो ये देखिए दोस्तों, ये है बेबी जी, सब खाना खा रहा है और ये खा रही है तरबूज। ये है हमारी आज की नई दुल्हन जो अभी शादी के सपने सजा के घर में बैठी होंगी, जल्दी से बारात आए, अब बस बारात के आने की खुशी में तरबूज खाए जा रहे हैं।
राकेश जी देख के बहुत अच्छे से मुस्किल ले रहे हैं कि हाँ भाई ये देखिए ये है हमारी बेबी जी। मैं पूजा से घर आ गई और पूजा में जाते समय वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जल्दीबाजी में था, सुबह पूजा हुआ और जैसे कि आपको पता है कि बेबी के पास मैं गई थी, उनका एनिवर्सरी है तो सबसे पहले उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत हमेशा खुश रहे, जोड़ी सलामत रहे। अभी पार्टी का समय है लेकिन मुझे मैं अभी 5:30 बज रहा है, मैं जल्दी से भाग रही क्योंकि मुझे पहले 4 बजे ही बुलाया गया था कि आप आ जाइए यहीं बैठिए, लेकिन मैं नहीं जा पाई, काम था कुछ, लेकिन अभी मैं निकल रही हूँ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। और मैंने ये चिकनकारी कुर्ती पहना हुआ है, एकदम लाइट वेट है और लाइट येलो है तो अच्छा लग रहा है। चलिए मिलती हूँ, कभी हम उठा दिए कि जाइए कभी नहीं, एक आध घंटा सोए तले, एक आध घंटा सोए से हम उठ सोए आज तो फिर अभी साथ से बोल कर ये रहा हमको भाई काम है। पवन का स्टेटमेंट हो गया ना, हां बात से कोई उसको लाइक नहीं कर सकता। और यहाँ पे सॉन्ग चल रहे, इसमें म्यूट करना पड़ा। और देखिए सजावट बहुत सुंदर सा, प्यारा सा डेकोरेशन हो गया और बहुत अच्छा लगा। खाना भी बहुत टेस्टी बना था, मैंने खाना का रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि शाम की ना सडन तबीयत थोड़ी सी ख़राब लगने थी, मैं नीचे जाके बैठ गई थी, मैं गई नहीं थी और नीचे से बैठ गई थी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। पूरा रिकॉर्ड की हूँ बट इसलिए नहीं डाली हूँ कि उनके भी चैनल पे, मेरे भी चैनल पे तो सेम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने बहुत कुछ कट कर दिया है। क्योंकि आप लोग को फुल देखना है तो उनके चैनल पे चले जाइएगा, उनके आईडी में हम मेंशन कर दूँगी और जाके वहाँ पे देखिएगा। और ये है हमारा प्यारा सा दुल्हारा सा बेटा, रूबी का बेटा है, बेबी की छोटी बहन का, बहुत ही अच्छा है। आइए दुल्हन जी, आप कहाँ रह जाते हैं? ना बैठे बस नहीं लग रहा है, तब दुल्हन लेट से आती है। ले आए मिला, उधर रख दीजिए, दे दीजिए सब बेबी, दे दीजिए उधर तो है, रख दीजिए अंदर वाला बेबी, दे दीजिए। अच्छा तो यहीं रखा है, वही मिल लीजिए। आपको फोन कहाँ है? आपको फोन लाइए, बना ले अंदर बनो, कैमरा कुछ नहीं जाएगा कैमरे। जयमाल की तैयारी, आप इनकी फुल वीडियो जो है ना इनके चैनल पे विजिट कीजिएगा। मैं पूरा नहीं डाली हूँ क्योंकि एक चैनल पे मतलब दो चैनल पे एक ही वीडियो नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए मैं नहीं डाली। और इनके भी आप चैनल पे जाइएगा, देखिएगा, बहुत ही अच्छे से एनिवर्सरी मिला। तो अब इनके बेटे ने जो गिफ्ट दिया ना वो आगे आपको देखने को मिलेगा, सच में बहुत प्यारा गिफ्ट है। एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा गिफ्ट कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं क्या गिफ्ट लाई हूँ मैंने वीडियो में कहीं नहीं दिखाया, इसलिए कि आप बेबी रियलिटी फैमिली ब्लॉग पे जाके देखिएगा, उन्होंने दिखाया है कि मैंने क्या गिफ्ट दी हूँ। तो वहाँ अच्छा लगता है, मैं पहले दिखा दूँगी तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, सरप्राइज़ का मज़ा नहीं रह जाता। तो ये है इनके बेटे का गिफ्ट, एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा गिफ्ट कुछ हो ही नहीं सकता है, सच में बहुत प्यारा गिफ्ट है और बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो सेम गिफ्ट ना हमारा भी ऐसा ही है, हमने भी सेम गिफ्ट यही दिया है, जो कि ये कपड़े तो हम पहन जाते हैं लेकिन ये ऐसा गिफ्ट होता है ना कि ये दीवार पे लगी रहती है तो हमें याद रहता है। कैसा लगा मेरा गिफ्ट और कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो कैसा अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।